हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इसके वेब डिजाइनर यूट्यूब चैनल। अभी जैसे हमारे पीछे जो बोर्ड है, जिसे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोल सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड बोल सकते हैं और डिजिटल पैनल भी बोला जाता है, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हमारे यहाँ कमेंट आया है, क्यूरी आई है कि कैसे कोई भी कंटेंट जो कि पैनल पे पढ़ाया गया है, उसे QR कोड के थ्रू कैसे बच्चों को हम पहुंचा सकते हैं, तो इसके बारे में हम आगे जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारा लेनिक बोर्ड है, जिस पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये हमारा नोट्स रहता है। नोट्स के थ्रू हमने ये ओपन किया। थोड़ी इसकी साइजेज हम जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोई कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि SK Wave डिजाइनर। आप देख सकते हैं कि हमने यह लिखा है SK Wave Designer। और अब यहाँ तक हम बच्चों को पहुँचाने के लिए जो सोर्स होता है, जैसा कि यहाँ शेयर है, शेयर को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक QR कोड जनरेट होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि QR कोड है। और अब हम बोल सकते हैं, जैसा कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि कैसे होता है। हमने मोबाइल को ओपन किया है और यहाँ पर गूगल में QR कोड होता है। इस QR कोड को ओपन करने के बाद एक कैमरा आता है। कैमरा QR कोड के माध्यम से इसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारे जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स जिन्होंने QR कोड को स्कैन किया है, उनके पास ये कंटेंट जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये कंटेंट जाता है। यहाँ जाने के बाद बच्चे यहाँ से शेयर कर सकते हैं और शेयर करने का जो सोर्स होता है वो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, मेल है, इन सभी पे वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने जो जाना है कि जो कंटेंट होता है उसे कैसे QR कोड के थ्रू बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।